तुमसे बदला लेने के लिए तड़पेंगे और उनका लक्ष्य तुम्हारी दर्दनाक जिंदगी होगी। हम चार लोग, हमें पता नहीं डर क्या होता है। डिपार्टमेंट में सभी कहते हैं कि हमारे अंदर गर्म खून है। वी वर दी अनटचेबल्स। तेरे पास ही आ रहा हूँ, पैसे तैयार रखना। अगर तूने पुलिस को पेट्रोल पंप शेखर, अंदर चार से पांच लोग हो सकते हैं। तो और लोगों को साथ ले कहना चाहिए था ना, हम लोग सुपरमैन है जो बातें कर रहे हैं। श्री श्री हाय श्री, आर यू ओके? ओके, तू ठीक हो ना? सर 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 सर, गजा भाई से तू भाई पुलिस पेरुमाल। ओह गॉड, गाइस पुलिस, तेरा नाम क्या रे? ए, तेरे बारे में मेरे फंटरो ने बताया, तू यहां से जिंदा बच के नहीं जाएगा। आजा। यही है क्या? हाँ यही है धर्मा। अनबू, अरुण हमारे फोन का इंतजार कर रहा है। क्या करना है, इनको अरेस्ट करना है क्या? अरेस्ट क्यों करना है? अंबु, पुलिस रिकॉर्ड में उसका एक भी केस नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन मिली वो सच है। वो एक नंबर का रेपिस्ट है, बच्चियों का रेप करता है। अभी दो महीने पहले 16 साल की देवी नाम की लड़की का रेप किया था, जब वो रात के 10 बजे ट्रेन से अपने घर जा रही थी। तीन लोगों ने देखा था, पर किसी ने भी गवाही नहीं दी, सिर्फ इसके डर की वजह से। इसके पीछे मिनिस्टर का हाथ है, इसलिए हर केस से ये बच के निकल जाता है। देवी अभी हॉस्पिटल में है, अगर अभी हमने अरेस्ट कर लिया ना तो देवी से बयान लेके इसे सजा दिला सकते हैं। देवी जब बेड से उठेगी तब, वो बोलने की स्थिति में होगी तब, देवी अगर गवाही लिख पाएगी तब, ये सब होगा क्या उससे? कोई जरूरत नहीं है। अन्दु, 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 अरे का, अरे किसने मारा? अरे क्या हो गया? अरे गोली चलाई किसने? गोली मार दी। ये भगवान मर गया क्या? अगर अरेस्ट करते तो बेवजह गवर्नमेंट का खर्चा, एक गाड़ी रखनी पड़ती उसमें डीजल का खर्चा, अपने चार लोगों को यूनिफॉर्म में इसके पीछे बंदोबस्त में लगाना पड़ता, कोर्ट जज, अभी एक बुलेट के खर्च में काम नहीं पड़ गया, वो भी मेरा खर्चा, सिर्फ 50 रुपए। अब देवी भी तो खुश होगी, इसको मार जो दिया। But this is atrocious. Someone has got to do something about somewhere. हमारे देश में लोगों की जान और उनके राइट्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जस्ट अ मिनट मैम, तीन दिन पहले इलामारन के घर के पास तीन संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। पूछताछ करने पर पता चला कि उनमें से एक गजा का भाई है, और 18 तारीख की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है वो आपके टेबल पर रखी है। पिछले 14 तारीख को पेट्रोल पंप शेखर के आदमी लोग सिंधादरी पेटे में मीटिंग कर चुके हैं कि अगले पोंगल पर वो हम चारों को खत्म कर देंगे, और अपनी पत्नियों के सामने शपथ ली है। आशय, गजा, पेट्रोल पंप शेखर, इनसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? लेकिन ये हम लोगों को पर्सनली मुफ्त में मिला हुआ है, ये देखिए। सो व्हाट्स द पॉइंट?
माय पॉइंट इज मैम, सोसाइटी में छोटे छोटे क्राइम से जान बचाने तक हमेशा एक पुलिस वाले की त्याग की जरूरत पड़ रही है। आई डोंट नीड टू हियर एनी ऑफ दिस मिस्टर अंबुसेल्वन, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने आप में बिल्कुल क्लियर हूँ, समझे आप? योर रिकमेंडेशन इज रेडी। मैम, आप मानव अधिकार की बात कर रही हैं और मानव अधिकारों के उल्लंघन की भी बात कर रही हैं। मानव अधिकार इंसानों के लिए है, मेरे ख्याल से ये तीनों इंसान नहीं है। अगर आप हमें सजा देना चाहती हैं तो पशुपालन निवारण अभियान के तहत सजा दीजिए, हमें स्वीकार है। 6 महीने क्राइम ब्रांच में काम करना डायनामाइट पर चलने जैसा है, क्योंकि हर वक्त जान का खतरा बना रहता है। अब बस हो गया पल पल खतरों से खेलना। तुम लोगों को जो काम दिया था वो पूरा किया? नहीं स्वाति, अभी पूरा नहीं हुआ है। सेतु, सेतु अभी भी जिंदा है, बाकी के बच जाते तो चलता, लेकिन इसको मारना बहुत जरूरी था। उसके बाद मुझे ट्रांसफर मिलता तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। ये ट्रांसफर टेम्पररी है, तू क्या इसको परमानेंट समझ रहा है? देखना, फिर से हमें क्राइम ब्रांच में बुलाया जाएगा, उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। चलो इला। हाँ? चलो चलते हैं। श्रीकांत ने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मैं सेतु को भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने दिल में ठान लिया था कि एक दिन मैं उसे जरूर उठाऊंगा। हम चारों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। मुझे क्राइम ब्रांच से कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम का बहुत ही आसान काम है, चूहों का शिकार करना। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, कोई भी पोस्टिंग आखिर तक नहीं रहती। जहां भी रहूं, मुझे जो काम दिया गया है वो पूरी ईमानदारी से करता हूं। मद्रास सिटी, जहां कहीं भी देखो बस चोर, उचक्के, बदमाश, गुंडागर्दी। स्टॉप। कुछ देखा करो भाई। हाँ ठीक है। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? हम लोग ऐसे ही बैठे हैं साहब। कोई घर नहीं है क्या तुम लोगों का? है ना सर, हम लोग तो ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे हैं। कोई ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकता क्या? बात करना भी गुनाह है क्या सर? बैठ सकते हो, कहीं भी बैठ सकते हो, अगर तुम्हारी वजह से किसी को परेशानी नहीं हो तो। चलो पकड़ के खड़े। सर क्या कर रहे हैं? एक्सा ब्लेड वायर। चलो सब लोग, चाबी सर सुबह स्टेशन में आके ले जाना। सर चाबी चाहिए, चाबी चाहिए। जाने के लिए बोल रहा हूँ ना। चल बोला ना, चल निकलो यहाँ से। चल 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 गाड़ी में बैठ। हेलो कंट्रोल, वीरप्पन को पकड़ने की औकात नहीं है, हमसे पूछ रहे हैं। ए क्या बोला तुम लोगों ने? एक आदमी, तू क्या हो गया? सर बोलते वीरप्पन को पकड़ने की औकात नहीं है। है रुक ना कादम तो। hey, चलो तुम लोग जाओ, सीधे अपने घर जाओ। उन लोगों ने सही तो बोला, हम लोग वीरप्पन को अब तक नहीं पकड़ पाए। औकात नहीं है बोला, ये झूठ है। मैं एक अकेला इंसान हूं, इस दुनिया में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, और यही मेरी शक्ति है। बीवी बच्चे वाले बहुत ऑफिसर्स हैं, जिनके पास वो आज़ादी और हिम्मत नहीं थी, वो सब मेरे पास बहुत ज़्यादा थी। डर किसे कहते हैं ये मुझे पता ही नहीं है। मैं कहीं भी किसी के भी खिलाफ खड़ा होकर उसे टक्कर दे सकता हूँ, और मुझे उसके अंजाम की परवाह भी नहीं है, और मुझे ये बहुत पसंद था। और फिर एक दिन माया मेरी ज़िंदगी में आ गई, मेरी खूबसूरत माया। जिंदगी में मैं कुछ लड़कियों से मिला हूं, लेकिन आज तक किसी ने मेरे दिल को डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी पहली नजर में। यूटर्न लेना सर। अरे यूटर्न लेना यार। ठीक है सर। उस दिन तुझे हाथ दिखाया था तो तूने मेरे हाथ पर फेंका था ना, आज तेरा दुपट्टा मेरे हाथ पर। चल। अरे चल। क्या कर रहे हो तुम लोग? बदतमीज, बदमाश स्टूडेंट्स हो गया तुम लोग। किस कॉलेज के हो? कौन से कॉलेज का रहे तू? अगर तेरा पैर टूट गया और तू ऐसे ही घर जाएगा, तेरी माँ पूछेगी तो क्या जवाब देगा? ए इधर आ, बहुत बड़ा मजनू बनता है क्या? चलो चलो चलो। उसी दिन मैंने उसे पहली बार देखा। ए जाओ रे, जाओ यहाँ से। उसकी आंखों में उस वक्त जो गुस्सा और डर था वो मैं भूल नहीं पाया। पहली बार
कॉलेज खत्म करने के बाद किसी लड़की को देखते रहने का मन कर रहा था। मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं है, लेकिन हर बार वो आप अंदर आएंगे। Excuse me. ये आपकी पायल, लगता है लिफ्ट में गिर गई थी। ये आपकी है ना? आपकी नहीं है? ये मेरी नहीं है, आपको भी पता है। Excuse me, ये मेरा है, लिफ्ट में गिर गया था। ओह, ये लीजिए। थैंक यू। कातुमो तुम्हें स्पॉट पर आ गया, बोल दो। कोई भी वहां पर खड़े मत रहो। एक किलो शक्कर, एक पैकेट मैदा और ब्रू कॉफी। अभी देता हूं। हेलो, जल्दी दीजिए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप इसी एरिया में रहती हैं? घर कहाँ है आपका? एक नारियल दीजिए ना। हेलो, आपसे पूछ रहा हूँ, घर कहाँ है आपका? मैं आपको पहचानती हूँ क्या? आपको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। वो मुझे पसंद नहीं करती थी और ये बात मुझे बहुत पसंद थी। ये लीजिए 100 रुपए, बाकी के पैसे बाद में ले लूंगी। ठीक है। लड़कियों के मामले में मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अगर लड़की हो तो ऐसी होनी चाहिए। सर, पैसे नहीं है सर, सिर्फ फिल्म देखने के लिए पैसे लेकर आया था, वो भी खर्च हो गया सर। गाड़ी मेरे फ्रेंड की है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, आरसी बुक है, सब कुछ घर पर है सर। मैं सही कह रहा हूँ सर, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं लाकर दिखाता हूँ। 2 सप्ताह के बाद मैं फिर उससे मिला। सर, क्या प्रॉब्लम है इधर? सर, पेपर्स नहीं है, लाइसेंस नहीं है, और पूछ रहा हूँ तो गोलमोल जवाब दे रहा है सर। साइड लगा, साइड लगा। क्या नाम है तुम्हारा? राजा है सर। सर, मैं आपको जानता हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर अनबु सेल्वन। सर, ट्रेसपलम एरिया में हम दोनों ने एक लैंड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आपको याद है सर? आपका नाम क्या है? माया। घर कहाँ है? नंबर 3 पुसानिया पायानगर अडियार। उस दिन पूछा था तो बताया नहीं? हाँ, कहाँ से आ रहे हो? नाइट शो देखकर आ रहे हैं। टिकट है क्या? सर, ग्रीम्स रोड फ्रूट शॉप पर टिकट के बदले फ्री जूस मिल रहा है, टिकट के पीछे लिखा था सर, इसीलिए हमने यूज कर लिया। कौन है, बहन है क्या? नहीं सर, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब? फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स। ये रोड क्यों यूज कर रहे हो? दैट्स फॉर यू, फॉर द बैरिकेड्स। उसकी परवाह किए बिना चलोगे क्या? हाँ, तुम लोग शॉर्टकट यूज तो कर रहे हो, लेकिन वो सब करना बिल्कुल सही नहीं होता है। एंड दिस टाइम ऑफ द नाइट, एक लड़की और एक लड़का, शुडंट यू बी कैरी ऑन योर पेपर्स? यस सर, सॉरी सर। ओके, कैरी ऑन, चाबी इनको दे दो। ओके सर, ए चाबी दे दो। जी सर। कमिश्नर साहब का साइन ले लिया है, आप उनका इंतजार मत कीजिए, वहां पर चीफ वेट कर रहे हैं। कोर्ट में इस फाइल को ले जाकर सबमिट कर दीजिए, मैं शाम को आपसे मिलकर बात करता हूं। सर। हेलो सर। और अचानक 1 महीने बाद मैंने फिर से उसे देखा। हेलो, मेरा नाम माया है। याद है, क्या काम है? मुझे सॉरी कहना था, मैं आपसे गलत तरीके से पेश आई। एक्चुअली आप इतने बड़े ऑफिसर हैं, मुझे पता नहीं था। उस दिन आपकी नजरों से ही मैं समझ गया था, बात करने के लिए पायल का नाटक सेट करके आपके पीछे घूम रहा हूँ, ऐसा आपने सोच लिया था क्या? सो एक पुलिस ऑफिसर पायल लेकर किसी के पीछे नहीं घूमेगा, आपने रियलाइज कर लिया है ना?
पुलिस के लिए एक अलग ही सम्मान होता है ना। अच्छी बात है। बोलिए। क्या? सॉरी बोलना था ना आपको? I'm sorry sir, I'm really sorry. Your apologies are accepted. किसी अजनबी से बात नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? Sports day. Student? Teacher. St. Stephen School में टीचर माया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हो? मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड मैथ्स बहुत ही मुश्किल है, क्या पढ़ाई की है आपने? MSc मैथ्स, IIT चेन्नई। IIT में पढ़ाई करने वालों को यूजुअली अमेरिका में अच्छा जॉब मिलता है, वैसे आप यहाँ पढ़ा रही हो क्या? मुझे पढ़ाना पसंद है इसीलिए। सर आपका एक आर्टिकल पढ़ा था पिछले हफ्ते के एक्सप्रेस में, वेरी इंप्रेसिव सर। थैंक्स। आई एम रियली सॉरी। डोंट वरी अबाउट इट। ओके बाय बाय। हेलो। हाउ आर यू सर? कौन बात कर रही हैं आप? सर माया बोल रही हूँ, याद है आपको सेंट स्टीफन स्कूल? माया 12th स्टैंडर्ड मैथ्स। हाँ याद है, बोलिए ना क्या बात है? आपसे बात करनी थी तो ये नंबर मिला, क्या इस नंबर पे बात कर सकती हूँ? या नो प्रॉब्लम। सर मैं भी स्कूल से ही बात कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, मुझे हेल्प चाहिए, आप यहाँ आ सकते हैं क्या प्लीज? हेलो। सॉरी सर आपको यहाँ आने के लिए फोर्स किया। कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है? थैंक्स फॉर कमिंग। ये मेरे स्टूडेंट रोशनी है। हेलो रोशनी। हेलो सर। इसका घर MG रोड पर है, जहाँ रहती है वहाँ एरिया ठीक नहीं है, एक लड़का अक्सर इसके साथ छेड़खानी करता रहता है, ये रोज होता है, डर के मारे घर में भी नहीं बता पाती। उसके साथ 4-5 लड़के और होते हैं, चेहरे पर एसिड फेंकने की धमकी देते हैं, सुबह से इसके पीछे लग जाते हैं, बस में भी परेशान करते हैं, स्कूल छूटने के बाद भी, अभी वो लोग हैं, क्या करना चाहिए बताइए? पुलिस एक्शन लेना होगा या फिर मुझे कंप्लेन करनी पड़ेगी? इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है आप दोनों साथ में हो, जीप में बैठो। वो यहाँ पे है क्या रोशनी? उस ऑटो के पास। उतर कर जाओ। सर डरो मत, मैं हूँ। रोशनी मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगा, तुम जाओ। हे जानेमन, एक तो स्कूल से लेट आई और ऊपर से चुपचाप जा रही है, इधर आ। अरे यहाँ आ, अगर नहीं आई तो तेरे घर में घुसकर तेरी माँ के चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा, चला जा। अरे आ जा। क्या हुआ, इतनी देर से बुला रहा हूँ, तू मुझे पसंद नहीं करती? हाँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तुझे पसंद नहीं, अगर तू मेरे साथ घूमेगी तो क्या तेरी नाक कट जाएगी? हाँ मैं बहुत कूल इंसान हूँ, तू मुझे क्यों टेंशन देती है? अरे समझाना इसे। अरे काय को परेशान कर रही है, एक दिन स्कूल छोड़ के उसके साथ चली जाएगी तो क्या होगा तेरा, कुछ घट जाएगा क्या? hey! Hey! इसको क्यों समझा रहा है, चेहरे पे एसिड फेंक तब समझ में आएगी बात। इसको एसिड निकाल रहे। ले डाल डाल। नहीं, नहीं, अबे नहीं, सोच क्या रहा है, अबे डाल ना, ये ले पकड़ ले, डालो डालो, अगर डाल दिया तो क्या होगा पता तुझे? डालो डालो, फेंक दे डालो, फेंक दे। Hey, कौन है रही है? Hey, भाई ये तो पुलिस है। सर 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 एसिड नहीं है सर, सर सर सिर्फ सादा पानी है सर, सर एसिड नहीं है सर,
सर है सर 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 गलती हो गई सर 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 नहीं यार, ऐसी मजाक किया, बुलेट नहीं है खाली रिवॉल्वर है, डर गया क्या? सर सर नहीं सर इधर स्वामी सर स्वामी है चल जा बदमाश लोग घर जाओ रोशनी आज के बाद तुम्हें इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम एकदम तेज कदमों से बेखौफ जा सकती हो अपनी नजरें हमेशा ऊपर उठाकर चलना ओके थैंक यू सर मैं यहीं उतर जाती हूँ आर यू श्योर यस सर अगर वो सच में एसिड होता तो क्या होता पूरा चेहरा जल जाता मैं तो सोचकर काम गई थी थैंक गॉड थैंक यू उसके बाद बार बार वो चेहरा वो आंखें मेरे सामने रहती थी सात रंगों की तरह ये सब क्या और क्यों था मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद थी या नहीं ये मैं अभी बोल नहीं पा रहा हूं यार मो सारे पन सॉफ्ट हो रहे टफनेस कहां गए क्या हो गया तुझे ऐसा ही गया हां ठीक है अब ले ले आजा आजा चल कम ऑन कम ऑन कम ऑन लेट्स गो हेलो सर हेलो वहाँ कॉफी शॉप में एक फ्रेंड बैठी थी आपको देखा क्या आप हमारे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे सर वुड यू लाइक टू जॉइन अस सॉरी मैं अभी यहाँ ड्यूटी पर हूँ सीएम यहाँ से जाने वाले हैं मुझे यहाँ पर ही रहना होगा थैंक्स यू कैरी ऑन ठीक है सीएम के जाने के बाद आ जाइए हम वेट करेंगे आएंगे ना आई एम नॉट श्योर कितना टाइम लगेगा पता नहीं मेरे लिए वेट मत कीजिए जाइए ओके ओके बाय बाय कौन है सर भाभी जी हैं क्या अपना काम करो कातमुत्तु रुके हुए थे वो उस दिन उसके माथे पर गिर गए कई बार कई खतरनाक एक्सीडेंट देखे हैं लेकिन कभी किसी हादसे ने मुझे इतना दुख नहीं पहुंचाया लेकिन उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो देखने के बाद तो मेरी जान ही निकल गई थी सच में कातमुत्तु इसका नाम माया है सेंट स्टीफन स्कूल में टीचर है जी सर। इनके स्कूल में बोल दो कि इनके घर पर इन्फॉर्म करें ओके सर ओके मेरा मोबाइल नंबर दे दीजिएगा ठीक है सर नहीं नहीं आज संडे है स्कूल बंद है जी प्रिंसिपल के घर पर फोन करके इन्फॉर्मेशन दे दीजिए जी सर हम जहां पर खड़े थे वहां पास में एक कॉफी शॉप है ठीक है वो बता रही थी कि वो उस कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड्स के साथ आई है